नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रात्रि में करनी होगी। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, हफ्ते में इन 3 वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। इन 3 वार की रात्रि में आप ये विधि करेंगे 12 बजे के बाद। माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। स्नान से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी है और स्वच्छता और शुद्धता के साथ आपको ये विधि करनी होगी। मित्रों, हमने विधि का समय और इस विधि की सावधानी जान ली है, अब जान लेते हैं विधि की सामग्री। तो मित्रों, इस विधि में आपको सामग्री के रूप में लेना है नमक। नमक एक कटोरी में या एक पात्र में आप नमक ले लेंगे, लगभग हमने लिया जितना आप नमक ले लेंगे और उस नमक के साथ आपको ये विधि करनी होगी। नमक के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ नमक के साथ आपको ये पूरी विधि करनी होगी। अब मैं बता देता हूँ विधि में हमें क्या करना है। तो मित्रों, आपको एकांत में बैठना है, किसी के सामने नहीं, किसी से कोई देखे उस प्रकार से नहीं, और एकांत में शुद्धता के साथ और स्वच्छता के साथ आप ये विधि करेंगे। कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा मित्रों, जैसे कि हमने बिछा के रखा है, और आप खुद किसी आसन पर बैठ जाइएगा क्योंकि जमीन पर बैठ कर कोई भी तांत्रिक विद्याएँ नहीं होती है। अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको नमक का जो पात्र आपने लिया है उसको सीधे हाथ में ले लेना है। नमक के पात्र को सीधे हाथ में ले लेना है और उसको सीधे हाथ में लेने के बाद आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करना मित्रों एक मंत्र से, जो मैं भी बोल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा, मंत्र सही सुनेंगे, सही से करेंगे तभी आपका कार्य बनेगा। अभी तक बेहद सामान्य सामग्री है, इसे अभिमंत्रित करके हम हमारे तांत्रिक विद्याओं में ढाल देंगे। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः। सामने वाले का नाम वशीकरण कुरु स्वाहा। ये मंत्र मित्रों आपको बोलना है। 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान से करेंगे। मंत्र थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कठिन है, पर आप ध्यान से करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः। सामने वाले का नाम वशीकरण करो स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है 108 बार। जब आप यह मंत्र बोल दें उसके बाद आपको करना ये है कि ये जो आपने पात्र लिया है नमक का, इस नमक को और इस पात्र को अपने सिरहाने के पास, यानी सिरहाने के पास टेबल लगा कर रख देंगे और उस इसको किसी भी पात्र से ढक कर आप सो जाएंगे। आपने पहले दिन की रात्रि का कार्य कर दिया है, अब आएगा दूसरे दिन का कार्य। दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद ये नमक जो है ये आप लेके जाएंगे सीधा किसी बहते हुए पानी के किनारे, यानी बड़ा बहता हुआ जल का स्रोत हो वहाँ पर आपको जाना है। वो नदी हो सकता है, वो बड़ा नाला हो सकता है, पर निरंतर बहता हुआ पानी का स्रोत होना जरूरी है। वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा नमक निकालेंगे और उस नमक को अपने सीधे हाथ की अंगुलियों में, जैसे मैंने रख रखा है वैसे रखेंगे, और वैसे रखते हुए उस पानी में धीरे धीरे डालेंगे, और धीरे धीरे डालते समय सामने वाले व्यक्ति का नाम आप 7 बार मन ही मन लेंगे। 7 बार आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है और जितना आपने नमक लिया है उतना उस पानी में डाल देना है। याद रहे, बहता हुआ पानी होना जरूरी है, ठहराव वाला पानी आपको नहीं चुनना। कुएं में, तालाब में आप ये नहीं कर सकते, आप सिर्फ नदी या बहता हुआ नाला जो होता है, बड़ा शहरों में बड़े नाले होते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये करके आप सीधा अपने घर आ जाएंगे पात्र को लेकर, फिर आप अपने काम पे लग जाएंगे। दूसरे दिन की रात्रि इसको फिर से सीधे हाथ में लेंगे और सीधे हाथ में लेकर फिर से उसी मंत्र का जाप करेंगे जो हमने
पहले दिन की रात्रि किया था। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, सामने वाले का नाम वशीकरण कुरु स्वाहा। ये आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप करके वापस इसको रख देंगे जैसे आपने पहले दिन की रात्रि रखा था। फिर दूसरे दिन की रात्रि का काम होने के बाद तीसरे दिन की सुबह फिर से वही कार्य करना है जो आपने दूसरे दिन की सुबह दोहराया था। स्नान आदि से निवृत्त होकर ये पात्र लेके जाएंगे सीधा बहते हुए जल के पास। वहाँ पर आपको फिर से नमक लेना है और फिर बहते हुए पानी में डालते हुए 7 बार सामने वाले का मन में नाम ले लेना है। 7 बार उसके नाम का उच्चारण कर लेना है मन ही मन में। यह आप करने के बाद फिर से तीसरे दिन की रात्रि यही कार्य दोहराएंगे और चौथे दिन की सुबह यही कार्य दोहराएंगे। चौथे दिन का कार्य जो है वो अंतिम होगा। चौथे दिन आपको सारा का सारा नमक बहा देना है हाथ में लेकर, या किसी भी प्रकार से नमक अगर ज़्यादा हो तो पात्र के सहित आप थोड़ा थोड़ा इसमें बहा देंगे बहते हुए जल में और 7 बार नाम ले लेंगे। अंत में पात्र भी आपको बहा देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, पात्र को भी आपको बहा देना होगा। ये जैसे ही करेंगे मित्रों और फिर सीधा उसके बाद घर आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे और आप अपने काम में लग जाएंगे। आपकी विधि वहीं पर समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। पर मित्रों, विधि में गलती नहीं होनी चाहिए, विधि सही नियत से होनी चाहिए। अगर आप विधि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे भी करवा सकते हैं कोई भी वशीकरण कार्य। आपकी हर विद्या सफल होगी और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ रहेगी। ये हमारी जिम्मेवारी, हमारी गारंटी है। बाकी मित्रों, आप विधि कीजिए, गलत नियत से मत कीजिएगा, विधि में गलती मत कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।